कैसा बनाए बताओ? यम्मी वेजिटेबल आ रही है अब, अच्छी लगी है? बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती बस, है ना? बड़े पीसेस नहीं खाता है। एक नज़र इस पे और एक नज़र इस पे, बताओ। चलो आप खा लो। बच्चों को हो भी गया है क्योंकि आजकल ना बच्चे ना ऐसे खाते नहीं हैं, जो बड़े बड़े स्लाइसेस आ जाते हैं सब्जी के, ये नहीं खाते। ये भी नहीं और बच्चे भी नहीं खाते होंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों का। अगर बच्चे ऐसी चीज़ें खाने के लिए करते हैं तो उसमें आधी से ज़्यादा सब्जी डालोगे ना तो वो हेल्दी ही रहेगा। ऐसा नहीं, इतना तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसका आधे से ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा वो, अगर ये सब चीज़ें कम और सब्जियाँ ज़्यादा डालो तो। और मैंने तो कल ही फेशियल करा लिया था यार, और किससे कराया आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे मास्टरमाइंड मेरी लाइफ में हैं, सोच रहा हूँ मैं इतनी सोच समझ के इसलिए बोल रही हूँ, अगर मैंने उनका नाम ले दिया तो मेरी बैंड बच जाएगी इसलिए, क्योंकि मना किया था किसी को बता मत देना कि किसने किया है, तो इसलिए इसको सीक्रेट ही रहने देता। लेकिन अभी नहीं, मैंने जैसे रात ही कराया, काफ़ी हद तक ग्लो आ रहा है अभी मेरे फेस पे ना, कोई भी करा लो लेकिन वो आता है 3 दिन बाद ही। तो करवा चौथ की आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में बताना। मेरी तो कुछ इस तरीके से, और मैं दिखूंगी करवा चौथ वाले दिन कि मैंने क्या क्या लिया। अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, सिर्फ अभी फेशियल कराया, थ्रेडिंग वगैरह कराई, अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उसके लिए ना फ्री टाइम चाहिए और इनके पास है नहीं बिल्कुल भी टाइम। और मुझे अब की बात जिद है कि मैं इनके साथ ही जाके रुक जाऊँगी। नहीं लाइक, नहीं लाइक, ऐसा तो करेंगे नहीं, चलेंगे ज़रूर ऐसा तो ये करते नहीं है। मुझसे ज़्यादा ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे 2-3 बार बोला भी कि आप जाके ले आओ, लेकिन नहीं, हर बार मैं लेके आते हूँ लेकिन अब नहीं, अब यही दिला के नहीं है तो करते हैं। अभी तो ये वृंदावन के लिए निकल गए हैं, परिक्रमा लगानी थी, कल आएंगे तब देखते हैं। और आप सब बताना आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे तो बिना सब्जी वाले ना अच्छे नहीं लगते, मुझे ये सब्जी वाले ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सब्जी डाल के बनाते हूँ ना, और गुड़िया मेरी बहुत इंजॉय कर रही है, प्रतापगढ़ में ट्रिप पे गई है, बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश थी। सुबह उठ गई 5 बजे, वैसे स्कूल टाइम में नहीं उठेगी 5 बजे, सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो गई क्योंकि उसे 7:45 बजे निकलना था, और पैकिंग वैकिंग सब रात को कर ली। मैंने कहा आराम से उठना, नहीं तो मेरी भी नींद खराब, अपने पापा की भी, कैब से नहीं पापा के साथ गई है। आप भी खा लीजिए, पहले भी खा लो, बहुत टेस्टी बना रही हूँ। आलू सोयाबीन ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू डाला हुआ है, जिसकी वजह से चावल और भी अच्छे निखर के आएंगे और वाइट निकल के आएंगे एकदम से। और इसमें बन रही है मेरी आलू सोयाबीन, तो क्योंकि आलू सोयाबीन के साथ बच्चे चावल बहुत खुश होके खाते हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है उसके बाद आलू सोयाबीन, घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं सोयाबीन की सब्जी। जिसके घुटनों में दिक्कत है वो खा सकता है, मतलब सोयाबीन खा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ तो चावल के साथ तो वैसे भी ज़्यादा सब्जी खाई जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। दाल भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है इस टाइम, इसके पापा ने मना किया कि अभी दाल मत बनाना। मैंने कहा चलो नहीं बनाते। चावल की वजह से खड़ी हूँ, मेरे पैरों में सच में बहुत दर्द हो रहा है, वेदर की वजह से हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है ना, इसलिए दूसरी सीट लगने वाली है, अवॉइड करना। और डबल चिन ने बड़ा परेशान करके रखा है, डबल चिन की वजह से ना फेस और भी ज़्यादा हैवी लगता है। दरवाजा देख लो, यही बात
वो दिक्कत होती है, मुझे बहुत बुरी लगती है डबल चिन वाले लोग, और डबल चिन भी। बन गया बॉईल आ गया। और हाँ गाइस, जिनके बाल झड़ते हैं या मतलब कि वाइट हो रहे हैं या मतलब दिक्कत है, तो जैसे ये मतलब पानी अब है इस टाइम राइस का, ऐसे ही सिंपल तरीके से बॉईल करना है और इनको फिर छान लेना, ठीक है, मतलब पसा देना। उसके बाद में इसको जब ये इसमें कुछ नहीं डालना है, ना तो ऑयल डाल सकते हो ना नींबू, कुछ नहीं डालना है, सिंपली आप चावल उबाल रहे हो उसका ये पानी निकाल के और इसको ठंडा होने के लिए रख दो, और सुबह मॉर्निंग में इसी पानी को अपने बालों के रूट में लगा के देखो। आपके बाल हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाना है, जिस दिन आप लगाओगे बस उसी ही दिन लगाना है। अब गारंटी से कह रही हो, आपके बाल इतने भारी हो जाएंगे ना, देखो मैं देखूँ, मुझे तो मैंने भी लगाए थे क्योंकि मेरी बेटी के जब बाल बढ़ाने शुरू किए थे तब उसके बाल बहुत हल्के थे, तो मैंने ये लगाया तो उसके बाल अब अच्छे हैं। अब मुझे भी नहीं है और उसके पास टाइम भी नहीं, क्योंकि उसको कोल्डो काफ़ी हद तक रहता है, तो उसको ये मेरी भी ये है नस बड़ी हुई है उसकी भी, तो इस वजह से वो नहीं लगाती है। अब वैसे भी अब मौसम चेंज है, जल्दी जल्दी में तो उसको पढ़ने से वो नहीं है फुर्सत बिल्कुल भी, तो वो उसको टाइम कम दे पाती है और वो भी। लेकिन जिसके पास है वो घर में ये बालों में लगाए, अब दो ही मतलब दो बार लगाने में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, आप लगा के देखना, बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद बाल हल्के हैं ऐसे बॉयल होके, बच्चे से रात भर ढक के रख दो, चावल निकाल लो, देखना। और हाँ, जिसका पौधा मुरझा रहा हो, पौधा मुरझाता है अब उसमें पौधे में डाल दो, आपको पौधा भी हरा भरा हो जाएगा इसी चावल के पानी से, आप करके देखना, बहुत इफेक्टिव है ये। वाइट बनते हैं ये देखो, है ना, खिला खिला एक चावल सब्जियाँ, तो आप लोग भी आ जाइए डिनर कर लीजिए, टी वी देखते देखते के साथ। पहले ट्रिप जा गई है, रात ही थक के सो गई है, नहीं थकान हो रही है ना इसको, अब इसकी हालत देख लो, लेटी लेटी सो गई, तो इतने थके हुए, खाना भी नहीं खाया, उल्टा सीधा खाया, हम वहाँ पे नहाई है, आरती के सारती देखिए, देखो इसके काम, ये देखो सब सामान इसने निकाल के फेंक दिया। खैर गाजियाबाद से प्रतापगढ़ बहुत दूर है, अच्छी है, पहली बार गई है तो जाहिर सी बात है थकान तो होगी, क्योंकि अपने घर से तो निकलने पे भी थकान हो जाती है, चाहे 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकलो। पहले मैं सुना दे थके बोल, सच ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।